हेलो हेलो नमस्ते. हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड. हाउ आर यू? वेयर आर यू? वेयर आर यू? आई एम फ्रॉम दिल्ली. इतना सोच के क्यों बोला आपने? दिल्ली से. अच्छा, पूछिए क्या सवाल आप. क्या सवाल आप बोले? नहीं, मेरा सवाल नहीं है. वो क्या था कि लास्ट फोर इयर्स से मुझे क्या होता था, फोरहेड पे पूरा पिंपल हो जाते थे बार बार. अच्छा. हाँ, तो मैंने उसकी बहुत सारी मेडिसिन्स खाई, तो मेडिसिन्स खाने के बाद ठीक होने के बाद दोबारा से वो हो जाते थे. और स्किन इतनी ड्राई हो गई थी कि कुछ मॉइस्चराइजर नहीं लगा सकते, अगर लगाओगे तो दोबारा पिंपल हो जाएंगे. अच्छा. तो फिर मैंने बाद में आपका वीडियो देखा था, तो मैंने 4 मंथ करा, पर मुझे 15 डेज में मेरे एक्ने चले गए थे पूरे. अच्छा, तो क्या क्या किया? हाँ. आपने बताएं जरा, आपने क्या क्या चेंजेस करे हैं? मैंने एक तो मैं पानी बिल्कुल नहीं पीती थी, मैंने पानी पीना स्टार्ट किया. उसके बाद मॉर्निंग में मैं फ्रूट्स खाती थी. अच्छा. और पीनट बटर खाया मैंने, और रोटी मैंने दिन में सिर्फ एक ही खानी थी, बाकी अच्छा. पूरा सैलेड खाती थी, जो भी हुआ, खीरा, टमाटर और चकुंदर वगैरह सब मिक्स करके. और एक चीज मैंने और की थी कि मैं डेली पालक का जूस बना के पीती थी, स्मूदी बना लेती थी उसकी. ठीक है. तो हाँ, ये सब मैंने किया. और बाकी मैंने कोई भी चीटिंग डे नहीं रखा. हाँ, तो उससे मेरा ठीक हो गया. अच्छा. और फिजिकल एक्टिविटी में कुछ किया आपने? फिजिकल एक्टिविटी कुछ किया? हाँ, फिजिकल एक्टिविटी में बस मैंने वॉकिंग की, क्योंकि मैं पता नहीं क्या होता है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ. अच्छा. और अगर आपको दिख रहा होगा, इधर मुझे एक पिगमेंटेशन है. अच्छा. हाँ, यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो, तो ये भी मेरा उन 4 मंथ्स में लगभग 70% कम हो गया था. अच्छा. अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ डाइट, थोड़ा सा मुझे डिप्रेशन प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा. तो अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया है, पर अभी थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ. अच्छा. अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये इसमें मुझे और क्या चीज ऐड करनी चाहिए कि ये थोड़ा जल्दी चला जाए. देखो, आपको सबसे पहले अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करना है. तो आप क्यों नहीं वर्कआउट कर पाती हो, मुझे बताओ जरा. हेल्प मी अंडरस्टैंड, क्या प्रॉब्लम आती है बताओ. मुझे एक तो मुझे हैबिट नहीं है, दूसरा शायद मुझे फील बोर होता है. एक घंटा निकालना आपने पूरे 24 घंटे में से, है ना? तो क्या मुश्किल है उसमें? हाँ. क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है. देखो, ये जरूर ऐसे तो कोई बच्चा कहेगा कि मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं पढ़ता नहीं हूँ. लेकिन क्या जिंदगी भर ऐसा रह सकते हो? पढ़ना तो है ना आपको, आगे बढ़ना लाइफ में, है ना? तो मुश्किल कुछ नहीं होता. एक घंटा आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है. शुरू शुरू में देखो मुश्किल लगेगा, मुश्किल लगेगा शुरू में. धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बॉडी में स्टेमिना आता रहेगा, आप ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे. ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा. जब आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा. जब आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, फिर वो एक एडिक्शन बन जाएगी आपकी. ठीक है? तो इस बात को ध्यान से सुनो, अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करो. अभी आपकी एज तो ज्यादा कुछ लग नहीं रही मुझे ना, छोटी एज है आपकी. तो इस एज में वर्कआउट नहीं करोगे तो कब बुढ़े होके करना है क्या वर्कआउट, बताओ मुझे. अभी से हैबिट बनाओ. देखो, जब आप वर्कआउट करते हो प्लस डाइट भी आपकी है, तो अंदर में ना एक पॉजिटिविटी आती है. हर चीज, दुनिया अच्छी लगने लगती है. आपका नजरिया दुनिया को देखने का बदल जाता है. आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आती है कि आप वही पॉजिटिविटी दूसरों को भी देने लगते हो. तो आपका जो एटमॉस्फेयर है, आसपास के लोग, वो भी आपसे खुश रहते हैं. ठीक है? तो जीवन में खुश रहने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती. खुशी आपके यहाँ पे है बस. जब यहाँ पे खुशी है तो पूरी दुनिया खुश नजर आती है. ठीक है? तो क्या पॉइंट सीखा आपने मुझे बताओ. मैंने क्या क्या सिखाया अभी आपको? आपने मुझे सिखाया कि मुझे अब जो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज है उसको इम्प्रूव करना है. हाँ. और उसको एडिक्शन बना लेना है. हाँ, बस अपने आप बाकी चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी. देखो, जब आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, भूख आपकी बढ़ेगी, आप ज्यादा खाना खाओगे. खाना आपको हेल्दी साइरस डाइट ऑलरेडी वीडियो है, जितनी बार मर्जी देखो आप, है ना? तो हाँ, बस ये चीज करना है और खुश रहना है. और किसी रीजन को ढूंढना नहीं है कि हाँ मुझे खुश होने के लिए ये चाहिए या वो चाहिए. खुशी आपके यहाँ पे होनी चाहिए. ठीक है जी? चलिए, अपना ख्याल रखें. बोलो बोलो. मैं फिश ऑयल हेल्थ कार्ड का लेती हूँ, तो वो ठीक है?
हेल्थ कार्ड का भी ठीक है, मेक श्योर कि उसमें 1000 mg जो है डोजेज होनी चाहिए। हाँ जी, 1000 mg है उसमें। हाँ, लेकिन ये देख लेना कि एक दिन में कितने बता रखे हैं वो कैप्सूल। वन कैप्सूल बताया हुआ है। हाँ बस ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि मैंने जो जो रेकमेंड किया है, मेरा कोई भी वीडियो देखो यूट्यूब का, नीचे मैंने लिंक दे रखे हैं, तो आप वही ले लें, वो सारे अच्छे हैं। चलो शीनू जी, हैव अ बिग स्माइल और फिर हम एंड करते हैं। ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम, टेक केयर। सर मुझे लाइव लो जी, गुनेश जी आ जाओ, टिकट ही गलत है।